नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए हिस्ट्री की टॉपिक वाइज जो क्लास हमने शुरू की है, उसमें आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं हिस्ट्री का। इस टॉपिक का नाम है जैन धर्म। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया था जिसमें हमने बौद्ध धर्म के बारे में पूरे डिटेल में बात करी थी। आज के इस वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे। सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को हम कवर करने वाले हैं जैन धर्म से रिलेटेड, जो आपके एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के सेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो सारे फैक्ट्स मैंने जैन धर्म से रिलेटेड यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक एक करके इनको हम देखेंगे यहाँ पे। तो जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सबसे पहली चीज़ आपको ये पता रखनी है कि जैन धर्म के जो मूल संस्थापक या प्रवर्तक हैं कौन माने जाते हैं। तो आप याद देखिएगा, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ जो है जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये फैक्ट आप याद देखिएगा, ऋषभ देव या आदिनाथ, ये दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। ऋषभ देव को आदिनाथ कहते हैं। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, इनको ही जो है जैन धर्म का मूल संस्थापक कहा जाता था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं पार्श्वनाथ के बारे में आप याद रखिएगा, पार्श्वनाथ जो थे ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, तथा इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। महावीर स्वामी के बारे में आप याद देखिएगा, महावीर स्वामी जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर थे, तथा इनका जो जन्म था कुंड ग्राम नामक स्थान पर हुआ था, वैशाली के निकट, लगभग 540 ईसा पूर्व में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं, इनका जो जन्म था वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था, लगभग 540 ईसा पूर्व में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, तो आप याद रखिएगा। तथा महावीर स्वामी की जो माता थी त्रिशला, इनका जो संबंध था और लिच्छवीगढ़ राज्य से था, तो आप याद रखिएगा। तो वैशाली का जो लिच्छवीगढ़ राज्य था उसके जो प्रमुख थे चेटक, उनकी बहन थी त्रिशला, महावीर की माता थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं जो पिता थे महावीर स्वामी के सिद्धार्थ, इनका संबंध किससे था? तो इज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ से संबंधित थे महावीर के पिता सिद्धांत। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद महावीर के बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। महावीर स्वामी के बड़े भाई का क्या नाम था? तो नंदीवर्धन था। तथा जो पार्श्वनाथ के बारे में हमने बात की थी, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म वाराणसी, जिसको हम काशी के नाम से जानते हैं, यहाँ पर हुआ था। ये किसके पुत्र थे, किसके बेटे थे? तो इच्छाकु वंशी शासक अश्वसेन के पुत्र थे। आप याद देखिएगा, अश्वसेन कौन थे? तो इस इच्छाकु वंशी शासक थे, इच्छाकु वंश के ये शासक थे अश्वसेन, और इन्हीं के बेटे थे पार्श्वनाथ। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद अगले फैक्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप याद देखिएगा, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इम्पॉर्टेंट है, इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, और उनकी पुत्री का क्या नाम था? तो अड़ोज्या प्रियदर्शना जो है महावीर स्वामी की पुत्री थी। तो ये सारे फैक्ट आपको क्लियर रखने हैं, याद रखने हैं। महावीर स्वामी के माता का नाम था त्रिशला, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, इनकी पत्नी का नाम था महावीर स्वामी के यशोदा, और महावीर स्वामी के पुत्री यानी कि बेटी का नाम था प्रियदर्शना, अड़ोज्या प्रियदर्शना। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। तथा महावीर स्वामी की जो पुत्री थी प्रियदर्शना, इसका जो विवाह था जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी भी बन जाता था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा जो जमाली था यह प्रथम शिष्य था महावीर स्वामी का। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जमाली कौन था? तो महावीर स्वामी की जो पुत्री थी प्रियदर्शना, उसका पति था जमाली, तथा जमाली जो है महावीर स्वामी का पहला शिष्य बनता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जमाली के बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद ये आप याद कर लीजिएगा कि जैन धर्म के किन किन तीर्थंकरों के लिए कौन कौन सा प्रतीक चिन्ह जो है प्रयोग में लाया जाता है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, जिनको हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, इनका दूसरा नाम भी आप याद रखिएगा, आदिनाथ जो है ऋषभ देव का दूसरा नाम है। तो ये पहले तीर्थंकर थे और इनके लिए जो है बैल का प्रतीक चिन्ह प्रयोग में लाया था जैन धर्म में। वहीं जो दूसरे तीर्थंकर थे जैन और अजितनाथ, इनके लिए हाथी का प्रतीक चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है। अरिष्ट नेमी जो कि 22वें तीर्थंकर माने जाते हैं जैन धर्म के, इनके लिए जो है शंख का जो प्रतीक चिन्ह है वह जैन धर्म में प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म जो है काशी यानी कि वाराणसी में हुआ था, तो पार्श्वनाथ, ये इनके लिए जो है सर्प का जो प्रतीक चिन्ह है वह प्रयोग में लाया जाता है। वहीं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के लिए जो है सिंह का जो प्रतीक चिन्ह है वह जैन धर्म में प्रयोग में लाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया था, यानी कि घर को छोड़ दिया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया था तथा 12 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद जुम्भिक ग्राम के समीप जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है साल के वृक्ष के नीचे इनको कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य मतलब यहाँ पे ज्ञान की बात हो रही है। तो महावीर स्वामी को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर, किस वृक्ष के नीचे? तो साल के वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हमने महावीर स्वामी की बात करी है। अगर यही चीज़ यहाँ पे हम क्लियर करना चाहें गौतम बुद्ध के बारे में, तो आप याद कर लीजिएगा, गौतम बुद्ध के बारे में भी आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जिससे आपको दोनों के बारे में क्लियर हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को बोध गया में, गौतम बुद्ध को बोध गया में जो है किस नदी के तट पर? तो निरंजना नदी के तट पर जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पेड़ कौन सा था? तो पीपल के पेड़ के नीचे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, महावीर स्वामी को जो है जुम्भिक ग्राम के निकट जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं गौतम बुद्ध को जो है बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो महावीर स्वामी के बारे में भी आपको याद रखना है और गौतम बुद्ध के बारे में भी आपको याद रखना है, एकदम कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। दोनों लोगों को जो है अलग अलग नदियों के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को जो है निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहीं महावीर स्वामी को जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तथा किस पेड़ के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो साल के वृक्ष के नीचे हुई थी। वहीं गौतम बुद्ध को जो है पीपल के वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है, दोनों चीज़ें आपको क्लियर रखनी है, कहाँ पर कब और किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और किस वृक्ष किस नदी के तट पर और कहाँ पर जो है महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोनों को आपको एकदम क्लियर रखना है अपने दिमाग में। तो मैंने आपको इसीलिए दोनों के बारे में बता दिया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है महावीर स्वामी को केवलिन कहा गया, जिन यानी कि विजेता कहा गया, अहर यानी कि योग्य कहा गया, निग्रंथ यानी कि बंधन रहित कहा गया। तो आप याद रखिएगा, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को क्या क्या नाम दिए गए? केवलिन उनको कहा गया, जिन यानी कि विजेता कहा गया, अहर यानी कि योग्य कहा गया, और निग्रंथ यानी कि बंधन रहित कहा गया महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के बाद। बौद्ध साहित्य में जो है महावीर स्वामी को जो है निगंट नाथ पुत्र कहा गया। आप याद देखिएगा, बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगंट नाथ पुत्र कहा गया, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? तो प्राकृत भाषा में। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, महावीर स्वामी ने अपने जो उपदेश हैं ये किस भाषा में दिए हैं? तो प्राकृत भाषा में दिए हैं। तथा इनका जो पहला उपदेश था महावीर स्वामी का, किस जगह पर दिया गया था? तो राजगृह में। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, राजगृह में महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया था विपुलांचल पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर? तो विपुलांचल पहाड़ी पर। ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। महावीर स्वामी ने अपना जो पहला उपदेश था राजगृह में विपुलांचल पहाड़ी पर दिया था, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पर है, जैन धर्म में
मोक्ष के लिए तीन साधन आवश्यक बताए गए हैं। कौन कौन से ये तीन साधन हैं जो जैन धर्म में आवश्यक बताए गए हैं मोक्ष के लिए, तो कौन कौन से यहाँ पे, तो सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक चरित्र हो गया और सम्यक ज्ञान हो गया। ये तीन साधन हैं जो मोक्ष के साधन माने गए हैं जैन धर्म में, तो इनके बारे में आपको याद रखना है, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। अगला फैक्ट आपकी स्क्रीन पर है, और जैन धर्म में पंच महाव्रत हैं और ये जो पंच महाव्रत हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, क्योंकि प्रत्येक प्रकार की परीक्षा में जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं इन पंच महाव्रतों से प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो इनको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। तो ये पंच महाव्रत कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। तो पहला हो जाएगा अहिंसा यानी कि हिंसा न करना, दूसरा हो जाएगा अमृषा यानी कि झूठ न बोलना, तीसरा हो जाएगा अचौर यानी कि चोरी न करना, चौथा हो जाएगा अपरिग्रह यानी कि संपत्ति अर्जित न करना, और पांचवा हो जाएगा ब्रह्मचर्य। ये पांच जो है महाव्रत कहे जाते हैं जैन धर्म के। इनमें से स्टार्टिंग के जो चार महाव्रत हैं, इसमें से शुरुआत के जो चार महाव्रत हैं ये पार्श्वनाथ के समय से चले आ रहे थे, वहीं जो पांचवा महाव्रत था ये महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, महावीर स्वामी ने जो है इसमें पाँचवा महाव्रत जोड़ा था जिसका नाम है ब्रह्मचर्य। बाकी के जो चार थे वे पहले से ही पार्श्वनाथ के ही समय से चले आ रहे थे। तो एक चीज़ आपको क्लियर रखनी है जो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और जैन धर्म के अनुसार जो है पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है। तो ये किस चीज़ आप याद रखिएगा, जैन धर्म के अनुसार किसी व्यक्ति का जो जन्म होता है उसके कर्म के अनुसार, उसने पूर्व के जन्म में जैसा कर्म किया होगा उसी के अनुसार उसका जो जन्म है उच्च कुल में या निम्न कुल में होता है। ये बात जैन धर्म में बताई गई है, तथा जैन धर्म जो है एक अनिश्वरवादी है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जैन धर्म किस प्रकार का धर्म है, तो यह एक अनिश्वरवादी धर्म है। आगे चलकर जो जैन धर्म था यह दो संप्रदायों में बढ़ गया, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर कौन से लोग होते थे, जो सफ़ेद वस्त्र को धारण करते थे, वहीं दिगंबर कौन होते थे, जो नग्न अवस्था में रहते थे। तो इसको भी आपको याद रखना है, तो ये दो संप्रदायों को आपको याद रखना है, दिगंबर यानी कि नग्न अवस्था में रहने वाले और श्वेतांबर यानी कि सफ़ेद अवस्था में रहने वाले। जैन धर्म का जो प्राचीनतम साहित्य है उसको पूर्व कहा जाता है, जिसकी संख्या 14 थी, लेकिन आगे चलकर इसका जो संकलन था आगम के रूप में हुआ, जिसकी कुल संख्या वर्तमान में 46 है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जिसकी कुल संख्या 46 है। और जैन ग्रंथों में हेमचंद्र रचित परिशिष्ट वर्मन और हरिभद्र सूरी रचित जो है अनेकांत विजय महत्वपूर्ण है। तो आप याद रखिएगा, ये दो जो हैं जैन ग्रंथ काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। एक आपका हो जाएगा परिशिष्ट वर्मन, क्या हो जाएगा यहाँ पे परिशिष्ट, यहाँ पे वर्मन पर्वन है, तो परिशिष्ट पर्वन ये हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। और एक आपका हो जाएगा अनेकांत विजय, अनेकांत विजय इसके रचनाकार कौन है, तो हरिभद्र सूरी हैं। ये दोनों ग्रंथ जो हैं जैन धर्म के इम्पॉर्टेंट ग्रंथ माने जाते हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला फैक्ट आपकी स्क्रीन पर है, और जैन धर्म को जो है चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, अमोघ वर्ष तथा खारवेल इत्यादि शासकों के द्वारा जो है संरक्षण प्राप्त था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, किन किन शासकों का जो है संरक्षण प्राप्त था जैन धर्म को, तो महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य का, अमोघ वर्ष का, खारवेल का, ये सभी शासकों ने जो है संरक्षण दिया था जैन धर्म को। तथा 468 ईसा पूर्व में राजगीर के समीप पावापुरी में जो है महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति होती, यानी कि इनका जो है मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर, तो पावापुरी में जो है, कब होती है, तो 468 ईसा पूर्व में। तथा यह जो पावापुरी नामक जगह है यह राजगीर में है, यहीं पे इनकी मृत्यु होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो कुंड ग्राम, वैशाली के निकट जो है कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। वैशाली के निकट कुंड ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, वहीं इनकी मृत्यु जो है राजगीर के समीप पावापुरी में हो जाती है। वहीं दो जैन संगतियों का भी आयोजन किया गया था। तो पहली जो जैन संगति थी यह पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी, वहीं दूसरी जो जैन संगति थी यह गुजरात के वल्लभी में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में
की गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, दो बौद्ध संगतियों का आयोजन, सॉरी जो दो जैन संगतियां थी कहाँ कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो पहली जो जैन संगति थी स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में होती है, वहीं दूसरी वाली जो जैन संगति थी क्षमाश्रवण की अध्यक्षता में गुजरात के वल्लभी में आयोजित की जाती है। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इस प्रकार से जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपके जैन धर्म से रिलेटेड बन सकते थे, जो आपके NTPC की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते थे, हमने उनको एक ही क्लास में कवर कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।